इंसान दुनिया बदल सकता है वो एक औरत है, और जो इंसान दुनिया बदल सकता है वो अपने बच्चों का भविष्य बिल्कुल बदल सकता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि दुनिया बदलने की ताकत आप में है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि हर नारी ने सबसे पहले जो बदला है वो दुनिया है, उसकी सोच है। जो टॉपर हैं आज भी दुनिया के साइंटिस्ट अगर आप गिनती में करेंगे तो नासा में सबसे ज्यादा औरतें हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स औरतें हैं, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स औरतें हैं। हमारे बीएसएफ की बटालियन अभी जो चालू हुई है उनमें भी सबसे ज्यादा औरतें हैं। तो औरतें एक शक्ति का रूप है। वैष्णो देवी में तीनों माताएं समाहित हैं, ऐसा कोई देव नहीं जिसमें सारे तीनों का गुण। तो यानी कि जग करता और जग का पालन करने वाली एक औरत और एक शक्ति आपको भगवान ने दी है कि आप भी नई जनरेशन का निर्माण कर सकते हैं, और कोई नहीं, तो वो शक्ति आप में है। दवाइयों के कुछ नाम बता रही हूँ। एंटीसेप्टिक के बारे में सभी जानते हैं, एंटीसेप्टिक दवाइयाँ डॉक्टर्स आपके बच्चों को और आपको देते हैं। कुछ होती है एंटीसेप्टिक, कुछ होती है प्रोफिलेक्टिक। प्रोफिलेक्टिक वो दवाइयाँ हैं जो बीमार होने से पहले बच्चों को दी जाती है, जैसे कि पोलियो दिया है ना सभी ने, पोलियो अपने अपने बच्चों को और खुद भी लिया होगा। तो वो एक ऐसी दवाई है जो प्रोफिलेक्टिक है, यानी कि बीमार होने से पहले ही बच्चों को दी जाए। ऐसे ही विचार होते हैं, ऐसे ही कुछ करने की क्षमता होती है जो आपको जब आपका बच्चा 5 साल से ऊपर हो जाता है, आपको अपने विचार उसके अंदर डालने हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। अगर इस टाइम पे 5 साल से ऊपर के बच्चा हर कुछ समझता है, और इस टाइम में अगर आप उनको अच्छे विचार देती हैं, तो 100% आपके जो विचार हैं वो उनके पास पहुंचेंगे और वो उसी तरह कार्य करेगा जिस तरह आप चाहती हैं, वो वही बनेगा जो आप चाहती हैं, क्योंकि वो एक प्रोफिलेक्टिक डोज है। गलती हम क्या करते हैं, बच्चा 10 साल का हो जाता है और आप सोचते हैं कि इसको कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, ये बच्चा है। बच्चे का जो खुद का विकास होता है वो 2.5 साल से ऊपर नए सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक वो कवर करते रहते हैं। जबकि अगर 5 साल के बाद हम जैसी रचना करते हैं वैसे ही बच्चा बन जाता है। आप कैसी रचना करते हैं वो आपके ऊपर है। कई लेडीज या जेंट्स जो भी हैं वो एक भार देते हैं कि स्कूल में बच्चा जा रहा है, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरी तरह से उसको पढ़ाए। मैं आपको बता दूं कि स्कूल में बच्चा जितने घंटे रहता है उससे कहीं ज्यादा घंटे आपके पास रहता है। जब तक बच्चा खुद से खुश नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो बच्चा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब बच्चा परेशान होता है घर का माहौल उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। अगर बच्चा परेशान है तो जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। पता है आपको, आपको भी अगर डिप्रेशन होगा आपके दिमाग के सेल्स सिकुड़ जाते हैं। कई बार आप जाते हैं बाहर क्या करने आए थे भूल जाते हैं, क्योंकि आप टेंशन में हैं। होता है या नहीं होता आपके साथ? इसलिए होता है क्योंकि जब आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, आपके सेल्स सिकुड़ चुके हैं और आपकी याद करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, और आप बच्चों को बार बार मारते रहते हैं कि तुझे याद नहीं हो रहा है, याद नहीं होगा, क्योंकि उसका दिमाग इस टाइम पे काम नहीं कर रहा है। फिजूल है मारना। इससे अच्छा है आप उसको कहिए कि बेटा तुझे क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या करना चाहते हो, उसको अग्री कीजिए, वो करेगा। हमारे दिमाग की एक आदत होती है, वो चैलेंज जल्दी लेता है, लेकिन मुश्किलें अगर उसको बोला ना ये प्रॉब्लम है, बच्चा काम नहीं करेगा। तुम बोलो कि भागेगा तो पसीने आएंगे, बच्चा नहीं भागेगा। उसको बोलो तेरे दोस्त आगे तुझे भागना है, देखते कौन जीतता है।